सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि भाई इंजीनियरिंग ड्रॉइंग को कैसे हम रीड कर सकते हैं, उससे जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है वो हम कैसे ले सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को हम करेक्ट प्रोग्राम बनाने में कैसे यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में, अगर आप एक सीएनसी प्रोग्रामर हैं, ऑपरेटर हैं, तो आपको जो है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्रॉइंग को समझ लिया सही तरीके से तो आप जो है सही प्रोग्राम बना सकते हैं, सही कंपोनेंट आपसे बनेगा। इसके लिए हमें जो है उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, यानी कि बेसिक रूल होते हैं, उनको समझना जरूरी है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगी और उस इन्फॉर्मेशन को हमको कैसे यूटिलाइज करना है। अब चलिए इस चीज़ को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सीरीज में, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम इसे एक सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा आपका, बट मैं आपको जो है गारंटी ये दे सकता हूँ कि आप जो है इस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। सबसे पहले जो सवाल आता है हमारे दिमाग में कि भाई ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इससे रीड कर सकते हैं, किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि भाई जो कंपोनेंट हमें डिज़ाइन करना है उसका मटेरियल कौन सा है, ठीक है, उसके अंदर डायमेंशन कौन सा टाइप की यूज़ करी है, ठीक है, टॉलरेंसेस कौन से यूज़ किए हैं, ठीक है, शेप साइज क्या है, ये सब जो है आपको कैसे डिफाइन होंगे उस इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, ठीक है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग और 3D मॉडल, एक ये सवाल भी आता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि भाई आज की डेट में जो है 3D मॉडल बनना स्टार्ट हो गए। पुराने ज़माने में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि स्केच से बनाया जाता था, तो आज की डेट में हम 3D मॉडल का यूज़ कर लेते हैं, तो 3D मॉडल के कंपैरिजन में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग किस तरीके से जो है डिफरेंस है, दोनों में कौन सा बेटर है, ठीक है। एक सवाल ये भी आता है कि भाई 3D मॉडल बढ़िया है या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो 3D मॉडल एक विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि किसी के दिमाग में अगर कोई चीज़ प्रोजेक्ट करनी है कि भाई ये कंपोनेंट कैसा है, ठीक है, तो हमें 3D मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर हम बात करें कि भाई हमें इसका प्रोग्राम बनाना है, इसकी डायमेंशन चाहिए, तो हमें जो है 2D ड्राइंग ही चाहिए होगी, क्योंकि वहां पर हमें एग्जैक्ट डायमेंशन, शेप, साइज, ठीक है, और जो डायरेक्शन है, टॉलरेंस है, रेफरेंस है, ये सब चीज़ें जो है हमें कहाँ मिलती हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है, जिसको हम 2D ड्राइंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। 3D मॉडल के अंदर अगर आप 3D मॉडल को देखेंगे तो उसकी डायमेंशन को ले पाना, यानी कि उसको कैप्चर कर पाना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो है जो टॉलरेंस है वो सब चीज़ें हम दर्शा नहीं सकते, ठीक है। इसलिए जो है 3D मॉडल के कंपैरिजन में इंजीनियरिंग ड्राइंग आज भी यूज़ हो रही है और इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही हम जो है CNC मशीन इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, 3D मॉडल के कंपैरिजन में भी और बाकी टेक्निकल डॉक्यूमेंट के कंपैरिजन में कि भाई ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर होता क्या क्या है। जनरली मैं आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको ये दिख गया हुआ है कि भाई ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके अंदर जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, ऐसी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है आपका टाइटल ब्लॉक, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ हम कैसे समझेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या सीरियल वाइज इंफॉर्मेशन हमको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जाते हैं, ये देखिए, अब ये सारी की सारी डिटेल हमने जो है अपनी CNC प्रोग्रामिंग हैंडबुक 2.0 के अंदर सारा का सारा डेटा डाला हुआ है कि भाई अब जो डेटा हम आपको दिखाएंगे वो सारा का सारा डेटा आपको इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जो है इसको रेफरेंस में ले सकते हैं। चलिए यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका इंफॉर्मेशन ब्लॉक और टाइटल ब्लॉक, ये देख सकते हैं ये पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, इसमें जो है सेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि भाई ये सेक्शन देने की क्या ज़रूरत है। ये सेक्शन देने का ज़रूरत ये है कि अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन
डालते हैं, यानी यहां पर कोई पिक्चर हम डालते हैं, तो उसके बारे में अगर हमें कोई अलग से डिटेल लेनी है तो हम ये ए सेक्शन और इस नंबर को, इन दोनों का जो एक ब्लॉक बनता है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसको हम स्पेसिफिकली दिखा सकते हैं अपने बॉम के अंदर, बिल ऑफ मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो वो हमें यहां से मिल जाएगा कि भाई इस ब्लॉक के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। जैसे बी और ये जो एक ब्लॉक बनेगा इसका, तो ये हम लिख देंगे B2, ठीक है। B2 जैसे लिख देंगे, A1 लिख देंगे, C3 लिख देंगे, तो यहां से लेकर यहां तक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहां पर डिफाइन होगी, इसलिए जो है हम इसके अंदर इसके ब्लॉक्स बना देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये होता है मार्जिन, ठीक है। यहां पर जो है ड्रॉइंग के साथ में जो है थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, ताकि जो है अगर हमें फाइल में लगाना है कहीं पर तो इसको जो है हम इजीली लगा सकते हैं, और ये जो ड्राइंग है वो सेफ हमारी रह सकती है, ठीक है। ये आपका जो है 5 mm का जो है मिनिमम जो है मार्जिन रहता है इसका, ठीक है। ये फ्रेम हो गया आपका, और ये हो गया आपका टाइटल ब्लॉक, ठीक है। अब चूंकि यहां पर जो है टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं कि भाई ये देखो, टाइटल ब्लॉक ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि भाई अलग अलग कंपनी के हिसाब से जो है इसका मॉडल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी का नाम मिल जाएगा कि भाई ये किस कंपनी का कंपोनेंट है, किसकी ड्राइंग है, ठीक है। उसके बाद स्केल दिया जाता है कि भाई किस साइज में आप जो है ड्राइंग बना रहे हैं, अलग अलग साइज होते हैं ड्राइंग के, ठीक है। 1:1, 1:2, 2:3, तो ये साइज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि भाई किस साइज में जो है आपने ड्राइंग बनाई है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन, ठीक है। कौन से एंगल में आपने बनाया है, फर्स्ट एंगल में बनाया है, थर्ड एंगल में बनाया है। जनरली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है दो ही टाइप के एंगल प्रोजेक्शंस में बनती है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर हम बात करते हैं भाई इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर हम यूज करते हैं कि भाई फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारे पास ड्राइंग आनी चाहिए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो होता है वो यूज होता है आपका US के अंदर, US यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके अंदर जो भी ड्राइंग बनती है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका टाइटल, यहाँ पर जो भी ड्राइंग का नाम है, कंपोनेंट का नाम है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया है डिजाइनर का नाम, ठीक है, उसका नाम आप डाल सकते हैं, कौन सी डेट पे आपने बनाई है ये डाल सकते हैं, ठीक है। ड्रॉन बाय, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। चेक किसने की है ड्राइंग, उसका नाम लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड कौन सा आपने फॉलो किया है, ISO स्टैंडर्ड है, US स्टैंडर्ड है, ब्राजीलियन, जो भी स्टैंडर्ड आपने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये आपको एक नाम बता रहा हूँ कि भाई कौन सा है, ACME है, ठीक है, SAE है, जो भी स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हैं उसका जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रूव किसने किया है, ये इसकी डिटेल यहाँ पर रहेगी, और बाकी जो डेट रहेंगी वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है आपका ड्राइंग नंबर, कि भाई इस ड्राइंग का नंबर क्या है, ठीक है। ड्राइंग नंबर से क्या होता है, पार्ट के ये कौन से चाइल्ड पार्ट का है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक के अंदर देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, जो है अलग अलग टाइप के फॉर्मेट मिल सकते हैं इसमें। देखो क्या क्या मिल सकता है आपका, मैं यहाँ पर जो पूरी लिस्ट दी हुई है कि भाई नाम है, एड्रेस है कंपनी का, ठीक है, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन दिया होगा, मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, मास कितना है, कितना वजन है उसका, ये भी दिया हुआ है, फिनिश कितने टाइप की है, ठीक है, कौन सी फिनिश है, ठीक है, जनरल टॉलरेंस दिया होगा, प्रोजेक्शन डिटेल दी होगी, स्केल यूज इन ड्राइंग कौन सा स्केल यूज किया होगा, रिवीजन नंबर भी आपको मिलेगा कि भैया कितने रिवीजन इसके हो चुके हैं ड्राइंग के, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब देखिए स्टेटस ऑफ द ड्राइंग क्या स्टेटस है, प्रिलिमिनरी है या फिर अप्रूव्ड है। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि भैया ये जो है अप्रूव नहीं हुई है, उससे पहले जो है आप ऐसे एक सैंपल बनाते हैं कि भैया ये एक रफ ड्राइंग है, ठीक है, इसको जो है अप्रूव कर देंगे, अगर आप जो है जो भी अथॉरिटी होगी उसको अप्रूव कर देगी हाँ भाई ये स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है, तो उसके बाद जो है ये अप्रूव में आ जाएगी, तो उसका जो है नाम यहाँ पर दे सकते हैं कि भाई कौन से स्टेटस में है, ठीक है। प्रिलिमिनरी है तो इसका मतलब उसमें जो है मास प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, अप्रूव हो जाएगी तभी जो है आप उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स यूज्ड इन ड्राइंग मतलब कि इसमें कौन सी यूनिट यूज हो रही है, SI यूनिट यूज कर रहे हैं या MKS यूनिट यूज कर रहे हैं, ये आप जो है इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी इन्फॉर्मेशन की, भैया टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक चीज और आती है रिवीजन ब्लॉक। रिवीजन ब्लॉक होता है कि भैया कि कितनी बार जो है इसका रिवीजन हो चुका है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कौन से स्टेज में है, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या होता है, कंपोनेंट की हिस्ट्री आपको पता चल जाती है कि भैया रिवीजन जब आपने फर्स्ट किया था तो उसमें क्या कमी थी, सेकंड में क्या कमी आई,
थर्ड में आपने क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट होके आती है और आपको जो है डिटेल स्टडी करनी होती है उस कंपोनेंट के बारे में कि भैया ये पहले क्या क्या इसके अंदर कमी थी, क्या क्या चेंजेस हमने किए, तो वो सब कहाँ मिलेंगे, रिविजन ब्लॉक, ठीक है, उसमें नंबर दिया होगा आपका। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब ये होता है कि भैया उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी कि भैया कितनी क्वांटिटी में जो है आपको ये पार्ट लगाना है, कहाँ पर लगेगा, अगर ये मेन असेंबली ड्राइंग है तो उसमें जो है ये कहाँ पर लगाया जाएगा, कितने पार्ट हैं, कितनी क्वांटिटी में लगेगा, ये सारी की सारी डिटेल आपको जो है कहाँ मिलेगी, बिल ऑफ मटेरियल में। जो मेन ड्राइंग होती है उसके साथ में एक बॉम लिखा होता है, वो बॉम के अंदर क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है कि भैया ये कंपोनेंट लगेंगे और इस कंपोनेंट को जो है आपको असेंबली ड्राइंग में यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अगर एक ट्रैक्टर बना रहे हैं, ट्रैक्टर के अंदर जो है 100,000 कंपोनेंट हैं, तो उन 100,000 कंपोनेंट को कहाँ पर सेट करोगे, ठीक है, कहाँ पर लगाओगे, पोजीशन क्या है, ठीक है, कौन से असेंबली में आपको उसको अटैच करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी भैया बिल ऑफ मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास असेंबली ड्राइंग आती है इन फ्यूचर, तो ये जो है आपको वहाँ से इसका डेटा निकालना है कि ये कहाँ पर लगेगा, ठीक है। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं उसके अंदर कुछ कमियाँ निकालते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लगेगा, अगर वहाँ लगने वाली जगह पर वो सही जगह पर सेट हो जाएगा और उसके अंदर कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल सही ड्राइंग है। तो ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी, आपको बिल ऑफ मटेरियल से। तो ये तो बात हो गई कि भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हमको जो है मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको टाइटल ब्लॉक मिलेगा, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक मिलेगा, रिवीजन ब्लॉक मिलेगा और आपको मिलेगा बिल ऑफ मटेरियल। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको राइट हैंड साइड पर मिल जाती है ड्राइंग में, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जो है आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बाकी चीज पे बात करते हैं कि भाई ड्राइंग जब हम बनाएंगे उसके अंदर जो हम लाइंस खींचेंगे उनके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप की लाइन यूज होती हैं इस ड्राइंग के अंदर, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर बहुत सारे टाइप की लाइन यूज होती हैं, इन लाइंस के बारे में हमें समझना जरूरी होता है कौन सी लाइन कहाँ पर यूज होगी, ठीक है। जनरली मैं आपको एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई ये लाइन जो है ज़्यादातर यूज होती है, ठीक है। सबसे पहले जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये होती है कंटिन्यूस लाइन, ठीक है। अब इसको कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यूज होता है कि भैया फिजिकल जो बाउंड्री है, जो भी कंपोनेंट आप बनाओगे उसकी फिजिकल जो बाउंड्री है वो आप इसी से बनाओगे, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट की आउटलाइन आपके बनाओगे तो वो जो है आप इस लाइन से बनाओगे, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आती है, ये डैश 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 करके आती है, थोड़ी थोड़ी दिखती है, बीच बीच में गायब होती है, ये होती है हिडन लाइन। अब भाई हिडन लाइन का यूज कहाँ पे करते हैं, जो पार्ट हमको पार्ट का वो हिस्सा जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अगर कंपोनेंट को हम सामने से देख रहे हैं उसके पीछे वाला हिस्सा हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हम उसको दिखाना चाहते हैं कि भाई ये भी इस कंपोनेंट के पीछे है, ठीक है। तो दिमाग में ये रखो कि इसके पीछे होल है, तो उसको जो है डैश 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 करके दिखा देंगे कि ये हिडन है, हमको दिख नहीं रहा है, फ्रंट से फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे वो है। तो ये हम कैसे दिखाएंगे, इस हिडन लाइन से, ठीक है। तो ये हिडन लाइन हमें क्या यूज करनी है, कंपोनेंट के पीछे वाले हिस्से के लिए जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमें जो अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें ये इस टाइप से अगर कोई लाइन दिख रही है तो इसका मतलब ये पीछे है, ठीक है। उसके बाद आता है ये सेंटर लाइन कि भाई कोई कंपोनेंट है उसका सेंटर कहाँ से होके जा रहा है, ठीक है। कोई होल है उसका सेंटर से होके अगर हमें लाइन दिखानी है कि भाई ये सेंटर लाइन है, ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर को डिफाइन करती है कि भाई ये सेंटर है, ठीक है। अब आती है डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन, ये होती है आपकी एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, और ये होती है आपकी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन में क्या होता है कि भैया कंपोनेंट कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, इसलिए हम जो लाइन यूज करते हैं उसको हम डायमेंशन लाइन करते हैं। ये एरो से जो है ये डिफाइन रहेगी, ठीक है, ये दो एरो बने रहेंगे, उसके साइड में जो लाइनें रहेंगी ये इसके बीच में जो इसकी माप दी रही, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, ये इसकी परिमाप रहेगी, इसको बोलते हैं डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये ब्रेक लाइन। अब ब्रेक लाइन का यूज कहाँ पे करते हैं, अब देखो कंपोनेंट बहुत बड़ा है आप उसको पूरा नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, आधा कंपोनेंट दिखाया भाई, सेक्शन करके दिखाया कि भाई
पूरा कंपोनेंट बन नहीं पा रहा ड्राइंग में और आपको जो है छोटी सी छोटी चीज़ को जो है बड़ा करके दिखाना है, तो उसको ब्रेक लाइन का जो है एक ये सिंबल दिखा दो और उसको बड़ा कर दो, तो जो है ये इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्रेक लाइन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, उसका यूज़ करते हैं कि भाई पूरा कंपोनेंट नहीं दिखाना है, छोटा कंपोनेंट दिखाना है, लेकिन आधा उसको काट के ये लाइन बना देंगे। ठीक है, ये तो हो गया भाई कि भाई इसके अंदर कौन कौन से टाइप की लाइन यूज करते हैं। ये सारी की सारी डिटेल आपको जो दी हुई है हमारी सीएनसी प्रोग्रामिंग हैंडबुक 2.0 के अंदर हमने दी हुई है, जो कि इंडिया की किसी भी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने जो है ये इन्फॉर्मेशन को इसके साथ में अटैच किया है ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको जो है इसके लिए बार बार भटकना ना पड़े। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई हम जो है कितने टाइप की लाइन यूज करते हैं। यहाँ तक जो सेक्शन है ये हमारा पार्ट वन है, सेकेंड पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके साथ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे हम रीड कर सकते हैं, उससे जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है वो हम कैसे ले सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को हम करेक्ट प्रोग्राम बनाने में कैसे यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में, अगर आप एक सीएनसी प्रोग्रामर हैं, ऑपरेटर हैं, तो आपको जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझ लिया सही तरीके से तो आप जो है सही प्रोग्राम बना सकते हैं, सही कंपोनेंट आपसे बनेगा। इसके लिए हमें जो है उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, यानी कि बेसिक रूल होते हैं, उनको समझना जरूरी है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगी और उस इन्फॉर्मेशन को हमको कैसे यूटिलाइज करना है। अब चलिए इस चीज़ को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सीरीज में, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम इसे एक सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा आपका, बट मैं आपको जो है गारंटी ये दे सकता हूँ कि आप जो है इस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। सबसे पहले जो सवाल आता है हमारे दिमाग में कि भाई ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इससे रीड कर सकते हैं, किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि भाई जो कंपोनेंट हमें डिज़ाइन करना है उसका मटेरियल कौन सा है, ठीक है, उसके अंदर डायमेंशन कौन सा टाइप की यूज़ करी है, ठीक है, टॉलरेंसेस कौन से यूज़ किए हैं, ठीक है, शेप साइज क्या है, ये सब जो है आपको कैसे डिफाइन होंगे उस इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। ठीक है, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग और 3D मॉडल, एक ये सवाल भी आता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि भाई आज की डेट में जो है 3D मॉडल बनना स्टार्ट हो गए, पुराने जमाने में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि स्केच से बनाया जाता था, तो आज की डेट में हम 3D मॉडल का यूज कर लेते हैं, तो 3D मॉडल के कंपैरिजन में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग किस तरीके से जो है डिफरेंस है, दोनों में कौन सा बेटर है। ठीक है, एक सवाल ये भी आता है कि भाई 3D मॉडल बढ़िया है या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो 3D मॉडल एक विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि किसी के दिमाग में अगर कोई चीज़ प्रोजेक्ट करनी है कि भाई ये कंपोनेंट कैसा है, ठीक है, तो हमें 3D मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर हम बात करें कि भाई हमें इसका प्रोग्राम बनाना है, इसकी डायमेंशन चाहिए, तो हमें जो है 2D ड्राइंग ही चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पर हमें एग्जैक्ट डायमेंशन, शेप, साइज, ठीक है, और जो डायरेक्शन है, टॉलरेंस है, रेफरेंस है, ये सब चीज़ें जो है हमें कहाँ मिलती हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है, जिसको हम 2D ड्राइंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, 3D मॉडल के अंदर अगर आप 3D मॉडल को देखेंगे तो उसकी डायमेंशन को ले पाना, यानी कि उसको कैप्चर कर पाना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो है जो टॉलरेंस है वो सब चीज़ें हम दर्शा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए जो है 3D मॉडल के कंपैरिजन में इंजीनियरिंग ड्राइंग आज भी यूज़ हो रही है और इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही हम जो है CNC मशीन इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 3D मॉडल के कंपैरिजन में भी और बाकी टेक्निकल डॉक्यूमेंट के कंपैरिजन में कि भाई ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर होता क्या क्या है। जनरली मैं आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको ये दिखाया हुआ है कि भाई ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके अंदर जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, ऐसी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है आपका टाइटल ब्लॉक। ठीक है,
इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये चीज हम कैसे समझेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या सीरियल वाइज इंफॉर्मेशन हमको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जाते हैं, ये देखिए, अब ये सारी की सारी डिटेल हमने जो है अपनी सीएनसी प्रोग्रामिंग हैंडबुक 2.0 के अंदर सारा का सारा डेटा डाला हुआ है कि भाई अब जो डेटा हम आपको दिखाएंगे वो सारा का सारा डेटा आपको इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जो है इसको रेफरेंस में ले सकते हैं। चलिए यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका इंफॉर्मेशन ब्लॉक और टाइटल ब्लॉक, ये देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। इसमें जो है सेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि भाई ये सेक्शन देने की क्या जरूरत है। ये सेक्शन देने का जरूरत ये है कि अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यहां पर कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं, यानी यहां पर कोई पिक्चर हम डालते हैं, तो उसके बारे में अगर हमें कोई अलग से डिटेल लेनी है तो हम ये ए सेक्शन और इस नंबर को, इन दोनों का जो एक ब्लॉक बनता है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसको हम स्पेसिफिकली दिखा सकते हैं अपने बॉम के अंदर, बिल ऑफ मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो वो हमें यहां से मिल जाएगा कि भाई इस ब्लॉक के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। जैसे बी और ये जो एक ब्लॉक बनेगा इसका, तो ये हम लिख देंगे B2, ठीक है, B2 जैसे लिख देंगे, A1 लिख देंगे, C3 लिख देंगे, तो यहां से लेकर यहां तक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहां पर डिफाइन होगी, इसलिए जो है इसके अंदर इसके ब्लॉक्स बना देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये होता है मार्जिन, ठीक है, यहां पर जो है ड्राइंग के साथ में जो है थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं ताकि जो है अगर हमें फाइल में लगाना है कहीं पर तो इसको जो है हम इजीली लगा सकते हैं और ये जो ड्राइंग है वो सेफ हमारी रह सकती है, ठीक है। ये आपका जो है 5 mm का जो है मिनिमम जो है मार्जिन रहता है इसका, ठीक है। ये फ्रेम हो गया आपका और ये हो गया आपका टाइटल ब्लॉक, ठीक है। अब चूंकि यहां पर जो है टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं कि भाई ये देखो, टाइटल ब्लॉक ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि भाई अलग अलग कंपनी के हिसाब से जो है इसका मॉडल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी का नाम मिल जाएगा कि भाई ये किस कंपनी का कंपोनेंट है, किसकी ड्राइंग है, ठीक है। उसके बाद स्केल दिया जाता है कि भाई किस साइज में आप जो है ड्राइंग बना रहे हैं, अलग अलग साइज होते हैं ड्राइंग के, ठीक है, 1:1, 1:2, 2:3, तो ये साइज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि भाई किस साइज में जो है आपने ड्राइंग बनाई है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन, ठीक है, कौन से एंगल में आपने बनाया है, फर्स्ट एंगल में बनाया है, थर्ड एंगल में बनाया है। जनरली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है दो ही टाइप के एंगल प्रोजेक्शंस में बनती है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर हम बात करते हैं भाई इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर हम यूज करते हैं कि भाई फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारे पास ड्राइंग आनी चाहिए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो होता है वो यूज होता है आपका यूएस के अंदर, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, उसके अंदर जो भी ड्राइंग बनती है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका टाइटल, यहां पर जो भी ड्राइंग का नाम है, कंपोनेंट का नाम है, वो यहां पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर दिया है डिजाइनर का नाम, ठीक है, उसका नाम आप डाल सकते हैं, कौन सी डेट पे आपने बनाई है ये डाल सकते हैं, ठीक है। ड्रॉन बाय, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। चेक किसने की है ड्रॉइंग, उसका नाम लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड कौन सा आपने फॉलो किया है, ISO स्टैंडर्ड है, US स्टैंडर्ड है, ब्राजीलियन, जो भी स्टैंडर्ड आपने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये आपको एक नाम बता रहा हूँ कि भाई कौन सा है, ACME है, ठीक है, SAE है, जो भी स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हैं उसका जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रूव किसने किया है ये इसकी डिटेल यहाँ पर रहेगी और बाकी जो डेट रहेंगी वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है आपका ड्राइंग नंबर कि भाई इस ड्राइंग का नंबर क्या है, ठीक है, ड्राइंग नंबर से क्या होता है पार्ट के, ये कौन से चाइल्ड पार्ट का है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक के अंदर देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, जो है अलग अलग टाइप के फॉर्मेट मिल सकते हैं। इसमें देखो क्या क्या मिल सकता है आपका, मैं यहाँ पर जो पूरी लिस्ट दी हुई है कि भाई नाम है, एड्रेस है कंपनी का, ठीक है, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन दिया होगा, मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, मास कितना है, कितना वजन है उसका, ये भी दिया हुआ है, फिनिश कितने टाइप की है, ठीक है, कौन सी फिनिश है, ठीक है, जनरल टॉलरेंस दिया होगा, प्रोजेक्शन डिटेल दी होगी, स्केल यूज इन ड्राइंग कौन सा स्केल यूज किया होगा, रिवीजन नंबर भी आपको मिलेगा कि भैया कितने रिवीजन इसके हो चुके हैं ड्राइंग के, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब देखिए स्टेटस ऑफ द ड्राइंग क्या स्टेटस है, प्रिलिमिनरी है या फिर अप्रूव्ड है। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि भैया ये जो है अप्रूव नहीं हुई है, उससे पहले जो है आप ऐसे एक सैंपल बनाते हैं कि भैया ये एक रफ ड्राइंग है,
ठीक है, इसको जो है अप्रूव कर देंगे, अगर आप जो है जो जो भी अथॉरिटी होगी उसको अप्रूव कर देगी हाँ भाई ये स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है, तो उसके बाद जो है ये अप्रूव में आ जाएगी। तो उसका जो है नाम यहाँ पर दे सकते हैं कि भाई कौन से स्टेटस में है, ठीक है। प्रिलिमिनरी है तो इसका मतलब उसमें जो है मास प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, अप्रूव हो जाएगी तभी जो है आप उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स यूज इन ड्राइंग, मतलब कि इसमें कौन सी यूनिट यूज हो रही है, SI यूनिट यूज कर रहे हैं या MKS यूनिट यूज कर रहे हैं, ये आप जो है इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी इन्फॉर्मेशन की, भैया टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक चीज और आती है रिविजन ब्लॉक। रिविजन ब्लॉक होता है कि भैया कि कितनी बार जो है इसका रिविजन हो चुका है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कौन से स्टेज में है, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या होता है कंपोनेंट की हिस्ट्री आपको पता चल जाती है कि भैया रिविजन जब आपने फर्स्ट किया था तो उसमें क्या कमी थी, सेकंड में क्या कमी आई, थर्ड में आपने क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट होके आती है और आपको जो है डिटेल स्टडी करनी होती है उस कंपोनेंट के बारे में कि भैया ये पहले क्या क्या इसके अंदर कमी थी, क्या क्या चेंजेस हमने किए, तो वो सब कहाँ मिलेंगे, रिविजन ब्लॉक, ठीक है, उसमें नंबर दिया होगा आपका। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब ये होता है कि भैया उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी कि भैया कितनी क्वांटिटी में जो है आपको ये पार्ट लगाना है, कहाँ पर लगेगा, अगर ये मेन असेंबली ड्राइंग है तो उसमें जो है ये कहाँ पर लगाया जाएगा, कितने पार्ट हैं, कितनी क्वांटिटी में लगेगा, ये सारी की सारी डिटेल आपको जो है कहाँ मिलेगी, बिल ऑफ मटेरियल में। जो मेन ड्राइंग होती है उसके साथ में एक बॉम लिखा होता है, वो बॉम के अंदर क्या है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है कि भैया ये कंपोनेंट लगेंगे और इस कंपोनेंट को जो है आपको असेंबली ड्राइंग में यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अगर एक ट्रैक्टर बना रहे हैं, ट्रैक्टर के अंदर जो है 1,00,000 कंपोनेंट हैं, तो उन 1,00,000 कंपोनेंट को कहाँ पर सेट करोगे, ठीक है, कहाँ पर लगाओगे, पोजीशन क्या है, ठीक है, कौन से असेंबली में आपको उसको अटैच करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी भैया बिल ऑफ मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके पास असेंबली ड्राइंग आती है इन फ्यूचर, तो ये जो है आपको वहां से इसका डेटा निकालना है कि ये कहां पर लगेगा, ठीक है। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं उसके अंदर कुछ कमियां निकालते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहां पर लगेगा, अगर वहां लगने वाली जगह पर वो सही जगह पर सेट हो जाएगा और उसके अंदर कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है तो ये बिल्कुल सही ड्राइंग है। तो ये चीज़ कहां से पता चलेगी, आपको बिल ऑफ मटेरियल से। तो ये तो बात हो गई कि भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हमको जो है मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको टाइटल ब्लॉक मिलेगा, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक मिलेगा, रिविजन ब्लॉक मिलेगा और आपको मिलेगा बिल ऑफ मटेरियल। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको राइट हैंड साइड पर मिल जाती है ड्राइंग में, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जो है आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बाकी चीज पे बात करते हैं कि भाई ड्राइंग जब हम बनाएंगे उसके अंदर जो हम लाइंस खींचेंगे उनके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप की लाइन यूज होती हैं इस ड्राइंग के अंदर, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर बहुत सारे टाइप की लाइन यूज होती है, इन लाइंस के बारे में हमें समझना जरूरी होता है कौन सी लाइन कहाँ पर यूज होगी, ठीक है। जनरली मैं आपको एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई ये लाइन जो है ज़्यादातर यूज होती है, ठीक है। सबसे पहले जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये होती है कंटिन्यूस लाइन, ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यूज होता है कि भैया फिजिकल जो बाउंड्री है, जो भी कंपोनेंट आप बनाओगे उसकी फिजिकल जो बाउंड्री है वो आप इसी से बनाओगे, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट की आउटलाइन आपके बनाओगे तो वो जो है आप इस लाइन से बनाओगे, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आती है, ये डैश 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 करके आती है, थोड़ी थोड़ी दिखती है, बीच बीच में गायब होती है, ये होती है हिडन लाइन। अब भाई हिडन लाइन का यूज कहाँ पे करते हैं, जो पार्ट हमको पार्ट का वो हिस्सा जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी कि अगर कंपोनेंट को हम सामने से देख रहे हैं उसके पीछे वाला हिस्सा हमें नहीं दिख रहा है लेकिन हम उसको दिखाना चाहते हैं कि भाई ये भी इस कंपोनेंट के पीछे है, ठीक है, तो दिमाग में ये रखो कि इसके पीछे होल है, तो उसको जो है डैश 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 करके दिखा देंगे कि ये हिडन है, हमको दिख नहीं रहा है फ्रंट से, फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है लेकिन पीछे वो है, तो ये हम कैसे दिखाएंगे, इस हिडन लाइन से, ठीक है। तो ये हिडन लाइन हमें क्या यूज़ करनी है, कंपोनेंट के पीछे वाले हिस्से के लिए जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमें जो अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें ये इस टाइप से अगर कोई लाइन दिख रही है तो इसका मतलब ये पीछे है, ठीक है। उसके बाद आता है ये सेंटर लाइन कि भाई कोई कंपोनेंट है उसका सेंटर कहाँ से होके जा रहा है, ठीक है, कोई होल है उसका सेंटर से होके अगर हमें लाइन दिखानी है कि भाई ये सेंटर लाइन है, ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर को डिफाइन करती है कि भाई ये सेंटर है, ठीक है। अब आती है डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन।
ये होती है आपकी एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, और ये होती है आपकी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन में क्या होता है कि भैया कंपोनेंट कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, इसलिए हम जो लाइन यूज करते हैं उसको हम डायमेंशन लाइन करते हैं। ये एरो से जो है ये डिफाइन रहेगी, ठीक है, ये दो एरो बने रहेंगे, उसके साइड में जो लाइनें रहेंगी ये इसके बीच में जो इसकी माप दी रही, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, ये इसकी परिमाप रहेगी, इसको बोलते हैं डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये ब्रेक लाइन। अब ब्रेक लाइन का यूज कहां पे करते हैं, अब देखो कंपोनेंट बहुत बड़ा है, आप उसको पूरा नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, आधा कंपोनेंट दिखाया भाई, सेक्शन करके दिखाया कि भाई पूरा कंपोनेंट बन नहीं पा रहा ड्राइंग में, और आपको जो है छोटी सी छोटी चीज को जो है बड़ा करके दिखाना है, तो उसको ब्रेक लाइन का जो है एक ये सिंबल दिखा दो और उसको बड़ा कर दो, तो जो है ये इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रेक लाइन का यूज कहाँ पे करते हैं, उसका यूज करते हैं कि भाई पूरा कंपोनेंट नहीं दिखाना है, छोटा कंपोनेंट दिखाना है, लेकिन आधा उसको काट के ये लाइन बना देंगे, ठीक है। ये तो हो गया भाई कि भाई इसके अंदर कौन कौन से टाइप की लाइन यूज करते हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपको जो दी हुई है हमारी सीएनसी प्रोग्रामिंग हैंडबुक 2.0 के अंदर हमने दी हुई है, जो कि इंडिया की किसी भी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने जो है ये इन्फॉर्मेशन को इसके साथ में अटैच किया है, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको जो है इसके लिए बार बार भटकना ना पड़े, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई हम जो है कितने टाइप की लाइन यूज करते हैं, यहाँ तक जो सेक्शन है ये हमारा पार्ट वन है, सेकेंड पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके साथ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे, मेरा नाम है विपिन यादव, और आज का जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग की। ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग को GDNT भी बोलते हैं। GDNT की हिस्ट्री की बात करें तो 1936 में एक इंजीनियर हुआ करते थे स्टेनली पार्कर, जो कि ब्रिटिश आर्मी के लिए जो है काम किया करते थे, और ये जो है सबमरीन्स के ऊपर काम कर रहे थे। यहाँ पर जो है उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो ये थी कि जब कोई कंपोनेंट वो डिज़ाइन करके बनाते थे प्रोडक्शन के फेज में, तो वहाँ पर जो है सभी जो डायमेंशंस थी वो एक्यूरेट होने के साथ साथ सही तरीके से प्रॉपर फिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो उनको जो है एक चीज़ एनालाइज करने के बाद ये पता चला, जब हम किसी कंपोनेंट को लीनियर डायमेंशंस के बेस पर जो है चेक करते हैं तो वो जो एग्जैक्ट डायमेंशन है वो करेक्ट आ जाती है, बट फिर भी जिस जगह पर हमको जो है वो कंपोनेंट लगाना है उसके रेफरेंस फ्रेम में जब हम उसको बनाएंगे नहीं, तो जो कंपोनेंट है वो सही तरीके से फिट नहीं होगा। अब इस चीज़ को अगर हम समझें कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रही थी, जब हम एक कंपोनेंट को एक दूसरी जगह पर बना रहे हैं और जिस जगह पर वो फिट हो रहा है वो कहीं और बन रहा है, और जब हम उन दोनों को असेंबल करते हैं तो वहाँ पर फिटमेंट में दिक्कत आ सकती है, यदि हम स्टैंडर्ड टॉलरेंस और ज्योमेट्रिकली जो है उसको रेफरेंस करके नहीं बनाए तो यहां पर जो है वो प्रॉब्लम्स को यहां पर आइडेंटिफाई किया गया 1936 में फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद जो है जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, यहां पर इन्होंने मिलकर जो है एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया कि भाई ज्योमेट्रिकली कोई भी कंपोनेंट हम बनाएंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जो रेफरेंस हमको लेने हैं, जो टॉलरेंसेस हमको मेंटेन करने हैं, वो रहेंगे, तभी जो है हमारा कंपोनेंट जो है सही तरीके से फिट होगा। तो जैसे कि शाफ्ट्स हो गई, बियरिंग्स हो गई, इनके अंदर जो है एक टॉलरेंस, फिटमेंट टॉलरेंस हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सभी टॉलरेंस और जो रेफरेंसेस हैं इनके कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, तो उन सिंबल्स का जिक्र किया गया है ASME, द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर जो ASME है उसने जो है बहुत सारे स्टैंडर्ड नोट्स बनाए, उन नोट्स को जो है अलग अलग सब सेक्शंस में डिवाइड किया, ठीक है, कि कौन से कंपोनेंट के लिए कितना स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करना है। अलग अलग टाइप के कंपोनेंट हैं, अलग अलग मशीनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने फॉलो किए। तो उन स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर जो है हम डिस्कस करेंगे, उन सिंबल्स को हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर
ये सिंबल्स ड्राइंग के अंदर दिए हुए हैं तो इसका क्या मतलब है और हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। इसी चीज की स्टडी करने को जो है हमको बोलते हैं कि भाई ये ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग है, ठीक है। तो ये जो है हमें अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग में मिल जाते हैं। अब ये जो सिंबल्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है, इनके बारे में हमें स्टडी करना है कि भाई कौन से इंस्ट्रूमेंट से जो है हम इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, और कितना मेंटेन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस चीज की स्टडी होगी हमारे इस वीडियो के साथ। तो यहां पर जो है हमारी सीएनसी प्रोग्रामिंग हैंडबुक 2.0 के अंदर जो है हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग का एक कंप्लीट सेक्शन जो कि इसकी सबमरी है, ठीक है, वो पूरी की पूरी इसमें हमने दी हुई है, ताकि जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एएसएमई के डॉक्यूमेंट अगर पढ़ेंगे तो वहां पर जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर जो है आप उनको एनालाइज करिए, उसको समझिए और देखिए, ठीक है। यहां पर जो है आप हमारी बुक के पेज नंबर 190 से आगे जाएंगे तो आपको जो है यहां पर मिलेगा जीडीएनटी, ठीक है। जीडीएनटी की जो बेसिक डेफिनेशन है, क्या क्या इसके अंदर करना है, ये सब चीजें यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं उनके बारे में कि भाई जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं वो हैं क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो फीचर्स दिया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं कुछ सिंबल्स यहां पर आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, ये तीन जो है यहां पर दिए हुए, ये जो है फॉर्म है, ये टाइप ऑफ टॉलरेंस की फॉर्म है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं स्ट्रेटनेस का सिंबल है ये लाइन, फ्लैटनेस का सिंबल है ये रोम्बस, और सर्कुलरिटी का जो सिंबल है वो एक सर्कल है, ठीक है। तो ये आपको कहां पर मिलेगा, इसकी डिटेल स्टडी अगर आपको करनी है तो एएसएमई के डॉक्यूमेंट सेक्शन में 6.4.1 यहां पर जो है आपको उसकी डिटेल मिलेगी, ये आप उसको खोलेंगे। हालांकि इस बुक के अंदर आपको जो है कंप्लीट डिटेल दी गई है, मैं यहां पर आपको जो है रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको जो है चेक करना है कुछ भी तो वो आप जो है इस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफाइल, यहां पर देख सकते हैं प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो लाइन प्रोफाइल और सरफेस प्रोफाइल, दो टाइप की प्रोफाइल यहां पर डिस्कस की गई है। ये इंडिविजुअल है, रिलेटेड फीचर्स जो है इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि भाई यहां पर जो है किसी भी रेफरेंस फ्रेम की जरूरत नहीं है, ठीक है। और रिलेटेड फीचर का मतलब यह होता है कि हमको किसी भी एक सरफेस से उसको मेजर करना है, ठीक है, यानी कि उसको डिफाइन करना है, ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं ज्योमेट्रिक कैटेगरी, इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, मैंने पहले नहीं बताया। फॉर इंडिविजुअल फीचर, अगर आप स्ट्रेटनेस को मेजर करेंगे तो स्ट्रेटनेस के लिए जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो उसके सरफेस पे जो है आप घुमाएंगे तो जो है आपको स्ट्रेटनेस पता चल जाएगी। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में जो स्टडी करेंगे वो आगे करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल फीचर है, फ्लैटनेस भी इंडिविजुअल फीचर है, ठीक है। एक सरफेस आप कोई भी ले लीजिए उसके ऊपर फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी एक रेफरेंस प्लेन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सर्कुलरिटी, सर्कुलरिटी के लिए भी जो है आपको किसी रेफरेंस प्लेन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर बात करें सरफेस प्रोफाइल की, अगर आप सरफेस प्रोफाइल की बात करेंगे तो आपको जो है रिलेटेड फीचर है, यहां पर जो है आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और लाइन प्रोफाइल जो है वो इंडिविजुअल भी है और आपका जो है ये रिलेटेड फीचर भी है, ठीक है, लाइन प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की बात करें तो देखो ये रिलेटेड फीचर्स में आते हैं, ठीक है। ये देखिए रिलेटेड फीचर के अंदर आता है ओरिएंटेशन, इसमें आता है एंगुलरिटी। जब हम एंगल चेक करते हैं तो हमको जो है पहले एक प्लेन लेना होता है, कोई भी एक प्लेन, उसके ऊपर जो है हमको दूसरा जो है जिस दूसरा प्लेन लेना होता है, उसके बाद उसके बीच का एंगल निकालना होता है, ठीक है। तो कितना एंगल है इसके लिए हमको एक रेफरेंस प्लेन चाहिए, उसके बाद कितना जो है उसमें फ्लक्चुएशन है, ये सब जो है हम एंगुलरिटी, ये आता है रिलेटेड फीचर। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि रिलेटेड फीचर का मतलब ये होता है कि आप किसी रेफरेंस प्लेन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। एंगल अगर आपको चेक करना है तो आपको जो है पहले एक रेफरेंस प्लेन या फिर डेटम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से परपेंडिकुलरिटी, कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो आपको जो है जैसे परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो उसके लिए एक रेफरेंस प्लेन होना जरूरी है, तो इसलिए जो है ये हमारा रिलेटेड फीचर कहलाता है।
ये चीज जो है आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि स्टेटनेस जो है किस टाइप की कैटेगरी में आता है, ठीक है, इंडिविजुअल फीचर है या फिर रिलेटेड फीचर है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप अपने दिमाग में लेके चलिए कि ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एंगुलैरिटी क्या है, ओरिएंटेशन है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइन प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल है, ठीक है। सरफेस पे देखिए आपका जो है स्ट्रेटनेस एक फॉर्म है, फ्लैटनेस जो है एक फॉर्म है, सर्कुलरिटी एक फॉर्म है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपसे जो है सिंबल पूछा जाएगा कि भैया ये किसका सिंबल है, तो ये सिंबल भी आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पैरेललिज्म, ये भी आपको ओरिएंटेशन में आता है, इसमें भी जो है आपको एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है लोकेशन, लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे जो है इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई पोजीशन निकालेंगे तो ये क्या आगे रिलेटेड फीचर है या फिर ये इंडिविजुअल फीचर है। तो देखो कोई भी पोजीशन आप लेते हैं तो पोजीशन कहां से लेंगे, किसी भी एक रेफरेंस प्लेन से लेंगे, रेफरेंस पॉइंट से लेंगे या फिर डेटम पॉइंट से लेंगे या डेटम प्लेन से लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रिलेटेड फीचर। कंसेंट्रिसिटी, कंसेंट्रिसिटी भी जो है आपका रिलेटेड फीचर होता है। साइमेट्री, साइमेट्री भी जो है आपका रिलेटेड फीचर होता है, किसी चीज की भी साइमेट्री आप निकाल रहे हैं तो आपको एक रेफरेंस प्लेन चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रनआउट, रनआउट दो टाइप के होते हैं, सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट। सिंबल आपका ये है, देखिए सिंगल एरो रहेगा ऊपर उठा हुआ तो ये रनआउट है, टोटल रनआउट है तो डबल एरो रहेगा, ठीक है, दोनों ज्वाइंट रहेंगे या फिर दोनों इंडिविजुअल रहेंगे तब भी जो है ये आपका टोटल रनआउट कहलाएगा। यहां पर देख सकते हैं ये जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि ये टोटल रनआउट है, ठीक है, टोटल आपको करके निकालना है। कई जगह पर जो है दो की जगह तीन बना देते हैं एरो, ठीक है, उठा देते हैं तब भी वो टोटल रनआउट ही कहलाता है, ठीक है। साइमेट्री जो है इस टाइप का सिंबल है, कंसेंट्रिसिटी ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं, ये सब आपको जो है ड्राइंग के अंदर मिलेंगे, इनका मतलब जो है ये होता है, ठीक है। इसकी स्टडी अभी हमें और करनी है, आप सोच रहे हैं कि ये जो है सिर्फ हो जाएगा इससे आपका काम नहीं चलने वाला है, इसके बारे में आपको जो है कितने टॉलरेंस लिखने हैं, किस टाइप से आपको जो है ड्राइंग में मिलेगा, ये सब चीजें जो है आपको आगे बताई जाएंगी, ठीक है। इसकी डिटेल अगर आपको खुद से स्टडी करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, एएसएमई का जो सेक्शन दिया हुआ है इसका जो है ये सेक्शन नंबर दिया हुआ है, ये सेक्शन नंबर जो है आप इस सेक्शन से आप जो है उसकी डिटेल ले सकते हैं, वहां से आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। ये करीब जो है 10,000 पेजेस के अंदर जो है ये पूरी की पूरी जो है डिटेल दी हुई है, 10,000 पेज के अंदर जो है आपको ये सारा सारा डेटा मिल जाएगा, तो आपको जो है इसमें स्टडी डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और सिंबल्स हैं जिनके बारे में हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ये भी सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, एमएमसी, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के लिए आपको जो है एम बना होगा, इसके ऊपर सर्कल बना होगा, तो ये एक मटेरियल के ऊपर कितना एक्स्ट्रा मटेरियल है, कितना होना चाहिए, कितना आपको मेंटेन करना है, ये सब जो है इस सिंबल के साथ जो है आपको टॉलरेंस दिया होगा, इसकी स्टडी हम आगे करेंगे। लीस्ट मटेरियल कंडीशन मतलब जो मटेरियल है उससे कितना कम जो है हम जा सकते हैं, ये लीस्ट मटेरियल कंडीशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद होता है डायमीटर, डायमीटर को हम इस सिंबल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। बिटवीन के लिए जो है ये सिंबल यूज होता है, रेफरेंस के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं, रेडियस के लिए आर यूज करते हैं, स्क्वायर के लिए जो है ये ब्लॉक रहेगा आपका, सेंटर लाइन के लिए अगर आपको कहीं पर दिया हुआ है कि भाई ये सिंबल बना हुआ है, कई जगह पर ये बन जाता है, ठीक है। और ड्राइंग के अंदर जो है सेंटर लाइन सेंटर से नहीं जाती है, बट ये सिंबल आपको मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी सेंटर लाइन है, ठीक है। प्लेस और बाय इटैक्स से जो है इसको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। ये सभी चीजें जो है हम आगे इसकी कंप्लीट डेफिनेशन, कैसे यूज करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, ये सभी के सब हम यहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये एंड नहीं है, उसके बाद देखिए कुछ और सिंबल्स हैं, ठीक है। फ्री स्टेट के लिए एफ और ये सर्कल बना होगा, टेंजेंट प्लेन के लिए टी बना होगा, ये सर्कल बना होगा, प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन के लिए पी बना होगा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो है डिफाइन है, इसका जो ये नंबर दिया हुआ है इस सेक्शन के अंदर आपको इसकी स्टडी मिलेगी। स्पेरिकल डायमीटर के लिए एस डाया देखिए ये बना होगा, ठीक है। स्पेरिकल रेडियस के लिए एस आर बना होगा, कंट्रोल्ड रेडियस के लिए सी आर बना होगा, ठीक है।
आर्क लेंथ के लिए ये जो है आर्क टाइप की एक सिंबल बना होगा। स्टैटिकल टॉलरेंस एसटी है। काउंटर बोर के लिए ये इस टाइप का बना होगा सिंबल। काउंटर श्रिंकिंग के लिए ये सिंबल बना होगा और डेप्थ के लिए इस टाइप का डाउन एरो, ठीक है। कॉनिकल टेपर के लिए आपको इस टाइप का जो है सिंबल मिल जाएगा। तो ये जो है सिंबल्स हैं, इनकी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको ये सिंबल्स अपने दिमाग में रखने होंगे, इनको स्टोर करके रखिए। ये बुक के अंदर हमने दिया हुआ है ताकि जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर आपके पास ये एएसएमई सेक्शन है तो इस सेक्शन को खोलने में जो है 10,000 जो है पेजेस हैं, इन पेजेस को जो है आप खोलेंगे एक एक करके देखेंगे तो नहीं आप जो है यहां तक पहुंच पाएंगे। तो यहां पर जो है हमने इसको एक पूरा का पूरा निचोड़ जो है इस छोटे से सेक्शन के अंदर जो है इस टेबल को बनाया है, ठीक है। इस टेबल के अंदर जो है आपको कंप्लीट डिटेल मिल रही है। इसको आपको जो है याद कर लेना है। कैसे याद करना है इसकी एक मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता देता हूं कि जब भी आप इसको देखें, बुक को खोलें, बुक के साथ में एक नोटबुक रखें, वहां पर जो है आप इसको लगातार लिखते जाइए। 2 से 3 बार जो है आप इन सिंबल्स को बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे, आपको जो है यही याद हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बाई प्रैक्टिस लर्निंग टेक्निक, ठीक है। यानी कि इसको जो है आपको बार बार प्रैक्टिस करना है लिख के, ठीक है, तो ये आपको जो है मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में जो है इसकी इमेज सेट हो जाएगी 3 से 4 बार में, और जिन लोगों को नहीं हो रही है वो 5 से 6 बार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो है मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ी जो है लिस्ट नहीं है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। अब ये तो हो गए इसके सिंबल्स। अब हम जो है इन टॉपिक्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपको यूज करना है। ये सभी जो है आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर जो है आपको कंप्लीट इसकी डिटेल मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ते हैं। उसके लिए ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग, ये जो टॉपिक है हमने पिछली बार इसको कवर किया था, इसके अंदर जो सिंबल्स आते हैं उनको आज जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है लीस्ट मटेरियल कंडीशन एंड मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वालिटी इंजीनियर्स जाते हैं, जिनको कि फाइनल चेक में जो गेजेस दिए जाते हैं, उन गेजेस को कैसे बनाया जाता है, इन कंडीशंस के हिसाब से जो है हमको वो गेजेस बनाने होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, गो गेज और नो गो गेज। ये जो गेज होते हैं इसमें आपको जो है अलग अलग टाइप के जो है गेजेस मिल जाते हैं, जैसे कि पीपीजी मिल जाता है, टीपीजी मिल जाता है, टीआरजी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो गेजेस होते हैं इनकी बनाने की जो टेक्निक है वो किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, वो चीज़ जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज़ जो ये होती है कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ये जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के लिए जो यहाँ पर सिंबल यूज़ होता है वो M यूज़ होता है। इसको एक सर्कल में जो है बंद करके दिखाया जाता है कि ये मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन जो है हमको मेंटेन करनी है। अब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन जो है वो होती क्या है, ठीक है, ये होता है एक फीचर ऑफ साइज, यानी कि जो साइज हमको मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये साइज कहाँ पर यूज होता है, या तो शाफ्ट में यूज होता है या फिर होल में यूज होता है। पीपीजी जो हम मारते हैं वो मारते हैं हम किसी होल के अंदर, ठीक है। अब होल के अंदर जो है दो टाइप के गेजेस हम मारते हैं, एक होता है गो गेज और दूसरा होता है नो गेज, ठीक है। जो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन जो होती है वो होती है गो गेज की कंडीशन। इसमें क्या होता है, हमको होल का साइज इतना मेंटेन करना है कि जो हमारा प्लेन प्लग गेज है वो इसके अंदर चला जाए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो कंडीशन है वो फॉलो हो जाएगी। अब ये कंडीशन हम क्यों बनाते हैं, इसके लिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि मास प्रोडक्शन में हमें काम करना होता है, तो अब
हम बार बार जो है किसी भी गेज से बार बार, जैसे कि बर्नियर कैलिपर हो गया या फिर आपका जो है माइक्रोमीटर है, इससे हम जो एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं वो इतनी जल्दी चेक नहीं कर सकते। इसलिए जो है मास प्रोडक्शन के अंदर हम जो है एक मिनिमम लिमिट सेट करते हैं और एक मैक्सिमम लिमिट सेट करते हैं कि भाई मिनिमम लिमिट इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम लिमिट इतनी होनी चाहिए। इन दोनों लिमिट के बीच में जो है हमको पार्ट को बनाना है, यानी कि उस कंपोनेंट के अंदर जो है ड्रिल करना है, ताकि ना ये ओवरसाइज हो ना ये अंडरसाइज हो। ठीक है, तो जितना फास्ट हम इसको बना सकते हैं उसको हमें मास प्रोडक्शन में वो चीज़ लानी होती है। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम, पीपीजी और टीपीजी ये जो गेजेस होते हैं वो हम बनाते हैं। तो जो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन है उसके हिसाब से हमको जो जो गेज बनाना होता है वो होता है गो गेज, यानी कि ये जो गेज होगा ये हमारा उस होल के अंदर पास होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर जो है, मैं पिक्चर में दिखा भी देता हूँ कि गो गेज के ऊपर लिखा होगा स्पेशली गो गेज। ठीक है, और कुछ कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेट करते हैं कि गो गेज को जो है ग्रीन बनाते हैं और नो गो गेज होता है उसको जो है रेड बनाते हैं, यानी कि नो गेज को जो है इसमें पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट उतना बड़ा हमको साइज मेंटेन करना है ताकि जो है गो गेज चला जाए और नो गो गेज जो है वो पास ना कर पाए। इसलिए जो है हमें ये कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कहलाती है गो गेज के लिए और लीस्ट मटेरियल कंडीशन कहलाती है नो गो गेज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन और आ जाती हैं कि हम जो है एक तो बनाते हैं होल के लिए, ठीक है, इंटरनल फीचर के लिए। ठीक है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन जो हमें डिसाइड करनी होती है वो होल के लिए करनी होती है। दूसरा होता है पिन के लिए। अब पिन के लिए भी हमको जो है एक मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन सेट करनी होती है। तो पिन के लिए क्या करना होता है, जो साइज है वो लार्जेस्ट रखा जाता है। ठीक है, पिन का जो साइज है, अगर हमें जैसे कि कोई शाफ्ट है, वो शाफ्ट जो है जो गेज हमें बनाएंगे वो एक रिंग गेज टाइप का बनाएंगे, उस रिंग के अंदर जो है पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन जो है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, अगर हम शाफ्ट बना रहे हैं कोई, देखिए ध्यान से मेरे बात को सुनिए क्योंकि यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है पिन और जो है होल के अंदर। अगर हम किसी कंपोनेंट का होल जो है बना रहे हैं तो वहाँ पर जो है हमको पीपीजी यूज़ करनी है। ठीक है, पीपीजी, ठीक है, प्लेन प्लग गेज, जो कि उसके अंदर पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर हम मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन यही बना रहे हैं बट किसी शाफ्ट के लिए वो कंडीशन डिसाइड कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, रिंग गेज बनाना है। ठीक है, रिंग गेज बनाना है और वो शाफ्ट का जो साइज है वो मैक्सिमम रखना है और उस रिंग के अंदर पास कराना है। ठीक है, वो पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन जो कंडीशन है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, वो हमारा एक्सटर्नल फीचर कहलाता है। दो टाइप के फीचर यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिए। अगर हम गेजेस बना रहे हैं तो हमको अगर यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है एम और सर्कल बना हुआ है तो वो हमारा मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन हो गया। वहाँ पर जो है हमको जो होल का साइज है वो स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, और अगर हम एक्सटर्नल फीचर के लिए बना रहे हैं तो जो साइज है पिन का वो मैक्सिमम बनाना है। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हमारी जो सीएनसी प्रोग्रामिंग हैंडबुक 2.0 है उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं। उसके अंदर जो पेज नंबर है 205 से लेकर 2010 तक जो है यहाँ पर LMC यानी कि लीस्ट मटेरियल कंडीशन और MMC दोनों के बारे में बताया गया है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लीस्ट मटेरियल कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, लीस्ट मटेरियल कंडीशन के लिए, अब लीस्ट मटेरियल कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपको L लिखा हुआ मिल जाए और उसके ऊपर एक सर्कल मिल जाए तो ये जो सिंबल होगा ये हमारा लीस्ट मटेरियल कंडीशन का होगा। ठीक है, इस फीचर का यूज होता है नो गो गेज बनाने के लिए। अब नो गो गेज को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए क्या करना होता है कि जो साइज हमने होल का डिसाइड किया है उस साइज से मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी। अब इस चीज को जो है समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि भाई अगर आपको जो है 10 प्लस माइनस
0.1 ये साइज का जो है होल मेंटेन करना है। तो आप जो है किस तरीके से जो है इसके जो है गेजेस बना सकते हैं कि भाई ये जो है हमें सेट करना है। तो इसमें देखिए एक अपर लिमिट हो गई, एक आपकी लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट हो गई 10.1 क्योंकि इसमें जो है आपको प्लस 0.1 ऐड कर देना है, और लोअर लिमिट हो गई 10 में से जो है माइनस कर देना है आपको 0.1। तो जो है लोअर लिमिट हो गई आपकी 9.9। अब देखिए अब इसमें जो है आपको लीस्ट मटेरियल कंडीशंस डिसाइड करनी है। होल की अगर आप लीस्ट मटेरियल कंडीशन डिसाइड करेंगे तो यहां पर जो है आपको अलग से दिया होगा, ठीक है, एल बना होगा, उसके साथ में जो है डाया दिया होगा 0.2। तो आपको जो है कि जो नो गो गेज बनाना है वो आपका जो गेज बनेगा वो लगभग जो है 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, वो आपका जो है बड़ा बनेगा, ठीक है। अब इसको कैसे आप डिसाइड करेंगे, आपका जो गेज बनेगा वो बनेगा आपका 10.2 का, ठीक है, 10.2 का बनेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आप इसको होल में डालेंगे तो वो जाएगा नहीं, तो जो है नो गो गेज आपका बन गया, ठीक है। अब गो गेज आपको बनाना है तो वो आपको बनाना है 9.9 जो दिया है मिनिमम लिमिट, इससे थोड़ा सा और कम, तो जो है आपका गो गेज बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है दो टाइप के गेज बनाने हैं, एक तो आपको गो गेज बनाना है, एक नो गो गेज बनाना है, ठीक है। ये कंडीशंस आती है क्वालिटी इंजीनियर के लिए कि भाई हमको जो है ये कैसे मास प्रोडक्शन में इस तरीके से जो है हमको गेजेस बनाने हैं, ये आपको ऑर्डर करने पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्री में काम करेंगे और आपके पास ड्राइंग आएगी तो आपको जो है ये गेजेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि जो है आप मास प्रोडक्शन में काम को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। ये आपको जो है सीएनसी वीएनसी मशीन के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास ये गेजेस पहुंचाने होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई कंपोनेंट डेवलपमेंट फेज में आएगा तो आप इनकी ड्राइंग को स्टडी करेंगे, उसके बाद ये गेजेस के आपको जो है जो प्लग गेज बनाने वाली कंपनी होती है इनको जो है आपको साइज देने होते हैं, वो उस साइज के जो है आपको प्लग गेज देंगे। आपका प्लग गेज सही है या नहीं है ये आपको जो है चेक करना होता है। तो अगर आप एक इंजीनियर हैं, क्वालिटी इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, तो आपको जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये आपके लिए काम आने वाली इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप जो है स्टडी करिए, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है इन गेजेस का यूज करती है। तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है ताकि जो है आपको ये चीज़ समझ में आए कि भाई लीस्ट मटेरियल कंडीशन कहाँ पर यूज़ होती है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड कुछ और कमेंट करने हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो है आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।